गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट है ईवीएस। ओके बच्चों, सभी बच्चों अपनी ईवीएस की बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 54 पे जाइए। चैप्टर है आपका एट, लेट्स बी सेफ। लेट्स बी सेफ, चलो सुरक्षित रहें। देखो बच्चों, आज हम सुरक्षित के बारे में पढ़ेंगे। कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, हम कैसे सेफ रह सकते हैं, तो उस बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए, पुट अ क्रॉस ऑन द एक्टिविटीज यू थिंक आर रॉन्ग। इसमें जो एक्टिविटीज़ दी गई है, जो रॉन्ग है उसके ऊपर आपको क्रॉस का टिक, क्रॉस का निशान लगाना है। ओके, तो देखिए, ये बच्चा रॉन्ग चल रहा है ना, गाड़ी के आगे आ रहा है बॉल को पकड़ने के लिए, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ये राइट है, ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल सही कर रही है, कूड़ा उठा रही है ना। नेक्स्ट है, ये तैरा क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ये भी राइट है। लेकिन ये बच्चा क्या कर रहा है, केले खाकर छिलके को कहाँ डाल रहा है, रोड के ऊपर, तो इस पे क्रॉस का टिक लगाइए, क्रॉस का टिक लगा दीजिए। आप देखिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्पीक लाउडली विद मी फॉलो। एक्सीडेंट आर कास्ट वैन वी आर केयरलेस। क्या कह रहा है कि दुर्घटना तब होती है जब हम लापरवाह होते हैं। दुर्घटना कब होती है, जब हम लापरवाही करते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये बात है ना। दे कैन काज फिजिकल इंजरी, एक्सीडेंट्स कैन बी हैपन एनीवेयर। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। ओके बच्चों, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, शारीरिक चोट हो सकती है, एट होम घर पे भी हो सकती है, वेल प्लेइंग खेलने से हो सकती है, घर पर खेलते हैं तो हो सकती है ना, ऑन रोड रोड पर भी हो सकती है, ऑन व्हील ट्रैवलिंग। देखिए बच्चों, यात्रा करते समय भी हो सकती है। ऑल दीज एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। क्या कह रहा है, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है बच्चों, घर पर खेलते समय, सड़क पर, यात्रा करते समय, ठीक है, तो दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। ऑल दिस एक्सीडेंट बी अवॉइडेड इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। अगर हम सावधान रहें और सुरक्षा नियमों का पालन करें तो हम सेफ रह सकते हैं, तो हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देने की बात है, हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, देखो ऐसे ही रह सकते हैं, सेफ्टी रूल्स। अब क्या है, सुरक्षा नियम। सुरक्षा नियम क्या है, देखिए, सेफ्टी रूल्स आर द रूल्स दैट हेल्प इन अवर सेफ्टी। से सुरक्षा नियम जो है, सुरक्षा नियम जो हमारी सुरक्षा में मदद करता है, ठीक है। वी मस्ट फॉलो देम एट ऑल प्लेस टू अवॉइड इंजरी। हम चोट से बचने के लिए हर जगह उनका पालन करना चाहिए, किसका, सुरक्षा नियमों का। ओके बच्चों, लेट अस नो सम सेफ्टी रूल्स।
चलो जानते हैं कुछ सुरक्षा नियम। लेट अस नो सम सेफ्टी रूल्स। चलो जानते हैं सुरक्षा नियम। ओके एट होम, अब देखिए घर पर हम कैसे रहकर सुरक्षा कर सकते हैं। ऑलवेज कीप आवर बुक्स एंड टॉयज एट प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग देम। जहाँ से हम बुक खिलौने जहाँ से हम लेते हैं उनको वहीं उनके प्रॉपर स्थान पर रख देना चाहिए। यूज में लेकर काम में लेकर उसको अपने उसी स्थान पर रख देना चाहिए जहाँ से आपने लिया था। थ्रो द गार्बेज इन द ट्रैश कैन, सम वन माइट स्लिप ऑन द पील्स एंड फॉल्स। और क्या करना चाहिए? कूड़ा जो करकट कूड़ा होता है घर में उसको भी हमें सुरक्षित जगह पर डालना चाहिए। और जो छीलन होती है जैसे हमने केले का छिलका फेंक दिया तो उससे हम स्लिप हो सकते हैं ना, उस छीलन को भी कहाँ डालना चाहिए? गार्बेज कूड़े के डिब्बे में डालना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स ब्लेड्स एंड सीजर। और हमें क्या करना चाहिए? धारदार जो चीजें होती है ना, धारदार जैसे चाकू ब्लेड एंड सीजर, सीजर कैंची, जो ये धारदार चीजें होती हैं इनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच और प्लग। जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, बिजली के जो बोर्ड होते हैं, स्विच प्लग, तो उनको हमें नहीं छूना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए या छूना नहीं चाहिए। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स। और क्या नहीं करना चाहिए? सीढ़ियों पर नहीं चलना चाहिए। डू नॉट ओपन द डोर और डॉक ए टू स्ट्रेंजर। दरवाजा खोलो, अजनबियों से बात ना करो। दरवाजा मत खोलो और अजनबियों से बात नहीं करनी है आपको। ऑन रोड, अब देखिए सड़क पर। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें रोड क्रॉस करते हुए जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ फुटपाथ और पेवमेंट। और क्या करना चाहिए? सड़क पर चलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, जो रास्ते का फर्श है ना उसका भी ध्यान रखते हुए घूमना चाहिए। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। और क्या है? रोड पे भी हमें नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए। वी मस्ट वियर अवर सीट बेल्ट इन आ कार। और हमें क्या करना चाहिए? कार में बैठकर सीट बेल्ट को पहनना चाहिए। इट देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग देन बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टूवर्ड्स योअर राइट देन लेफ्ट एंड फाइनली टूवर्ड्स राइट अगेन। तो देखिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए? जेब्रा को क्रॉसिंग करने से पहले हमें फर्स्ट किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? दाएं ओर की ध्यान रखना चाहिए। फिर हमें बाईं तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। फाइनली टूवर्ड्स राइट अगेन। और अंत में हमें बाईं तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। एंड देखो फर्स्ट लुक किसका ध्यान रखना चाहिए? दाहिने और देन ला उसके बाद बाईं ओर ध्यान रखना चाहिए। एंड फाइनली टू वर्ड्स राइट अगेन। और अंत में फिर
फिर दाहिने ओर की ध्यान रखना चाहिए। अगेन यानी दोबारा पेज नंबर बच्चों 56 पर जाइए, पेज नंबर 56 पर जाइए। ओ वे ट्रैफिक लाइट, और ट्रैफिक लाइट का भी पालन करना चाहिए। डू नॉट टेज स्ट्रे एनिमल्स, और जो आवारा जानवरों को भी हमें तंग नहीं करना चाहिए। अब देखिए इन स्कूल में क्या करना चाहिए। डू नॉट जम्प ऑन द डेस्क और चेयर, हमें डेस्क और चेयर कुर्सियों पर क्या नहीं करना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। डू नॉट रन ऑन स्टेयर और इन द कॉरिडोर्स, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सीढ़ियों में और गलियारों में नहीं जाना चाहिए। डू नॉट लीव द बैग और बोतल ऑन द फ्लोर, हमें अपने फ्लोर पर बैग और बोतल नहीं छोड़नी चाहिए। कहाँ, स्कूल में। ओके, अदर्स में ट्रिप एंड फॉल, कोई भी चलते समय गिर सकता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये देखो ये बच्चा सीढ़ियों से दौड़ के चल रहा है ना। हमारे यहाँ भी स्कूल में सभी आप टीचर्स आपको समझाते हैं तेज नहीं दौड़ना चाहिए, गिर जाओगे, लग जाएगी, है ना। ये बेड के ऊपर से देखो कूद रहा है, और ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तो राइट है। अब नेक्स्ट देखिए इन बस, अब बस में क्या करना चाहिए। वेट फॉर द बस एट द बस स्टॉप इन अ क्यू, क्या करना चाहिए, बस में एक कतार में बस स्टॉप पर बस का इंतजार करना चाहिए। इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए, बस का एक कतार में खड़े होकर बस का इंतजार करना। डू नॉट लर्न आउट ऑफ मूविंग बस, और क्या करना चाहिए, नेवर पुट योर हैंड और एनी अदर बॉडी पार्ट आउट ऑफ अ मूविंग बस, और बस में इधर उधर नहीं झांकना चाहिए। चलती हुई बस में कभी भी अपना हाथ या शरीर का कोई अन्य भाग मत नहीं बाहर निकालना चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस, और बस के जो पैर बोर्ड पर खड़ा नहीं होना चाहिए। डू नॉट गेट आउट और इन मूविंग बस, चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए। ओके बच्चों, आज इतना ही कराएंगे, और आप अच्छी तरह है रीडिंग करना, इसकी हिंदी भी समझना, और तेज आवाज में आपको बोलना है, स्पीक लाउडली में। ओके बच्चों, कल पार्ट सेकंड इसी चैप्टर का करवाएंगे। थैंक यू बच्चों।